नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनोज डे के बारे में। वीडियो में कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर आप मनोज डे को इसलिए फॉलो करते हैं या उनकी वीडियोस को इसलिए देखते हैं क्योंकि आपको लगता है कि उनकी वीडियोज की जो ट्रिक होती है उसकी मदद से आपके चैनल पे भी व्यूज और सब्सक्राइबर्स आने लगेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो आपको बता सकता है कि कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे आपके व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा कोई ट्रिक है ही नहीं। अगर कोई भी ऐसा ट्रिक होता तो सब उसको अपने चैनल पे अप्लाई करके अपने अपने लाखों लाखों व्यूज लेकर आते, लेकिन ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। और ये चीज को मैं भी बहुत ज्यादा करीब से समझती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप इस तरीके की वीडियोस देखते हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पर्पज से देखिएगा, अदरवाइज आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। मैं आपको लिख के देती हूँ, आप मेरे से साइन भी करा सकते हैं। तो अभी मैं मनोज डे के ऊपर आती हूँ। दोस्तों, मनोज डे इतने ज्यादा शातिर है और इतने ज्यादा शातिर तरीके से वो अपने चैनल पे काम कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतने ज्यादा शातिर तरीके से काम कर रहे हैं कि जो लोग उनको देख रहे हैं उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि मनोज डे की स्ट्रेटेजी क्या है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ जाता है और इसीलिए वो आपको आके बता देते हैं, जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, मनोज डे क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मनोज जी क्या करते हैं कि अपने चैनल पे कुछ वीडियोस डालते हैं। उसमें से एक वीडियो वो ऐसी डालते हैं जो कि पूरी तरीके से फेक होती है, और हर बार डालते हैं, और एक वीडियो ऐसी जरूर डालेंगे जो कि पूरी तरीके से फेक होती है, और वो वीडियोस होती है स्पॉन्सर्ड वाली वीडियो, कि जिसमें वो बोलते हैं कि भाई लाखों कमा लो घर बैठे, करोड़ों कमा लो घर बैठे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। घर बैठे लाखों करोड़ों अगर कमा रहे होते तो वो खुद क्यों नहीं कमा लेते, खुद क्यों यूट्यूब पर आकर काम कर रहे हैं। आप भी कमा लो घर बैठे, हम भी कमा लेते हैं, आप बता रहे हो, इतना ही सच है। तो ये पूरी तरीके से फेक वीडियोस बनाते हैं कि लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ और इतने इतने कमा लो घर बैठे, क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड वीडियो होती है, इनको पैसा मिल जाता है, तो वो किसी भी चीज़ को प्रमोशन कर देते हैं किसी भी एप्लीकेशन वगैरह का, जबकि वो बिल्कुल भी कह सकते हैं कि रियल नहीं होती है, कोई भी इतना नहीं कमा सकता है, ठीक है। तो जब वो इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद कुछ लोग जो समझदार होते हैं, वैसे तो ज़्यादातर नहीं होते लेकिन फिर भी जो कुछ लोग समझदार होते हैं वो इनको बोलने लग जाते हैं कमेंट करके कि आपने बिल्कुल गलत बताया है, अगर ऐसा है तो आप खुद क्यों नहीं कमा लेते हैं, और इनकी वीडियोस पे थोड़े से डिसलाइक्स आ जाते हैं। कई लोग इनको गाली दे देते हैं कि आपने अपना पैसा लेके हमें सारा कुछ गलत बता दिया। अब जैसे ही मनोज जी के साथ ये चीज़ होती है कि वो देखते हैं कि मेरे को डिसलाइक और गालियाँ पड़ रही हैं, तो वो अपनी ये एक नई चाल चलते हैं। ये जो दूसरी चाल वो चलते हैं, ये दूसरी चाल में वो क्या करते हैं कि ऐसा वीडियो वो बना देते हैं जिसमें वो बताने लगते हैं कि मैं तो बहुत गरीब था, मैं तो गरीब से बहुत मेहनत करके अमीर बन गया, मैं तो मतलब मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं तो गांव का लड़का हूँ। इस तरीके की वीडियोस वो बनाते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि देखो मैंने कितना मेहनत किया है और मैं इतना मेहनत करके जो है मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, जो कि एक सच बात है, उन्होंने मेहनत किया है। लेकिन जो वो ये चीज़ दिखा रहे हैं बार बार वो ये चीज़ रिपीट करते हैं। आप देख लेना कि इस तरीके की वीडियोज़ के बाद वो एक वीडियो बना देते हैं कि मैं पहले बहुत गरीब था, अब मैं बहुत अमीर हो गया, मैंने यूट्यूब के पैसे से ये वो सब खरीद लिया। तो वो ये जो दिखाते हैं उसके पीछे भी इनकी यही स्ट्रेटेजी है कि लोग मेरे को आके प्यार करें और मेरे को अच्छा अच्छा बोले कि वाह तुमने कितना मेहनत किया है, ठीक है। तो इस तरीके की ये मतलब कि हेट से बचने के लिए और डिसलाइक से बचने के लिए वो इस तरीके का काम करने लगते हैं, और फिर लोग भी जो उनकी पुरानी वीडियोज थी उनको भूल जाते हैं कि हाँ पहले मनोज डे ने कोई ऐसा वीडियो बनाया था, क्योंकि अब उन्होंने सबका अटेंशन सीक कर लिया ना कि मैं तो पहले बहुत गरीब था, मैं तो गाँव का लड़का था, और हर बात में ये वीडियो मतलब हर चीज़ में ये बात जरूर लेके आते हैं कि हम तो गांव के लड़के हैं, हम तो सीढ़ी पे बैठ के वीडियो बनाते थे, हमने तो बहुत मेहनत, भाई मेहनत तो सब करते हैं ना, आपने सीढ़ी पे बैठ के बनाया, मैं इस स्टोर रूम में बैठ के बनाती हूँ, कोई और पे बैठ के बनाता होगा। तो हर चीज़ में ये रिपीट कर रहा, मैं गाँव का लड़का हूँ, क्या गाँव के लड़के, इनके यहाँ तो सब लड़के लड़कियाँ मिलकर पार्टी करते हैं, ऐसा कौन सा गाँव होता है, और अगर गाँव के लड़के हो तो उसमें दुख की क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, हम भी गाँव के हैं, हम भी बिहार से ही हैं, हम तो इंग्लैंड से आए नहीं हैं। तो हर चीज़ में ये बात रिपीट करना और उससे अटेंशन सीक करना बहुत गलत चीज़ है, जो कि ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। उसके बाद फिर से ये फेक वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, और जब लोगों को पता चलता है कि ये फेक वीडियो बना रहे हैं तो दोबारा से जो ये मैंने आपको बताया कि अपना सिंपथी कार्ड जो होता है उसको प्ले करने लगते हैं कि लोगों से सिंपथी कैसे ली जाए, इनको बहुत अच्छे से आता है, तो वही ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, और इस तरीके से ही इनका चैनल चलता रहता है, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, जो कि आप इनके चैनल पे खुद भी देखेंगे। और ये जो बताते हैं कि मैंने YouTube मनी से ये ले लिया वो ले लिया, तो मैं आपको एक और असलियत बता देती हूँ कि भाई YouTube पे इतना पैसा है ही नहीं, आपको YouTube इतना पैसा देता ही नहीं है, ना ही आपको एडसेंस इतना पैसा देता है, नहीं आपको स्पॉन्सरशिप इतना ज़्यादा पैसा दे देती है कि आपके पास इतना पैसा आ गया कि आपने YouTube से तो भाई कार ले ली और ये घर बनवा लिया, ये सब गलत होता है, वो बस अटेंशन सीक करने का एक तरीका है। हाँ, आपने जो भी घर बनवाया है, जो भी गाड़ी ली है, आपने ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ और पैसे अपनी तरफ
तरफ से दिए हो, आपके पेरेंट्स ने दिए हो, किसी ने भी दिए हो, लेकिन पूरे के पूरे पैसे से आप ये सी चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी व्यूज़ देखकर सबका समझ में आता है कि किसको कितनी स्पॉन्सरशिप मिलती है, किसको स्पॉन्सरशिप का कितना मिलता है, किसको कितने जो है एडसेंस पैसे देता है। तो ये चीज़ भी ये गलत बताते हैं। और ये बार बार बताते रहते हैं ना, मैंने इतना कमाया यूट्यूब से, यूट्यूब ने तो भाई मैंने गाड़ी खरीद ली, कहीं ना कहीं उससे बहुत सारे लोग आ जाते हैं यूट्यूब पर ये सोच के कि भाई यूट्यूब पर बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब उनको असलियत पता चलती है तब उनको पता लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा था बंदा, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी ये भी अपनाते हैं अपनी हर एक वीडियो में। और एक और चीज़ इनके बारे में मैं बोलना चाहूँगी एंड में कि जो मनोज डे है ये कॉपी भी करते हैं। इन्होंने अभी मेरा वीडियो का कॉपी किया था, इन्होंने जो ये वीडियो बनाया था मैं आपको साइड में दिखा दूंगी कि आप यूट्यूब पर कभी कामयाब नहीं हो सकते, आई एम सॉरी, ये वीडियो भी मेरा ही इन्होंने चुराया है। मेरे ही वीडियो का जो है इन्होंने जो आप देख सकते हैं कि जो थंबनेल है वो भी मेरी ही वीडियो का चुराया है। हाँ, इनका कंटेंट थोड़ा सा अलग है, इन्होंने अपने पे बात लेके और फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने मेरा कंटेंट भी मतलब मेरा थंबनेल भी चोरी करने की कोशिश की है, उसका डिज़ाइन, ठीक है। तो इसके बारे में ये भी है कि ये कॉन्टेंट की चोरी भी करते हैं। पहले भी इन्होंने जो वो गूगल एडसेंस वाली वीडियोज़ थी उसमें इन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, और मैंने जो है ईशान मॉनिटर की वीडियो में से देख देख के ये वाली वीडियो बनाई थी और उसको इन्होंने प्राइवेट कर दिया, खैर, लेकिन उस वीडियो में इन्होंने साफ बताया था। और बड़े यूट्यूबर्स की नहीं, ये अपने से छोटे यूट्यूबर्स की भी कॉपी करते हैं। जैसे AKS दूसरा ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वेबसाइट बताई थी टैक्स के लिए, और यही उन्होंने सेम वेबसाइट अपने भी चैनल पे बता दी, और फिर ये बोलते हैं कि मैंने ही बताई है, सबसे पहले मेरे से पहले किसी ने नहीं बताई है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये नकल करते हैं, और इनका बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये खुद सोचकर कुछ लेकर आए हैं अपने चैनल पे, अदरवाइज ये सबकी ज्यादातर कॉपी ही करते रहते हैं, जो कि मैंने देखा है और मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं इनके बारे में। और ये जो मतलब आप ऐसे व्यक्ति के बारे में कैसे उसकी बातों पे भरोसा कर सकते हैं जो कि ऐसे बोलता है कि भाई टिकटॉक तो क्रिंज है, टिकटॉक में क्रिंज कंटेंट था और खुद ही वो टिकटॉक इस्तेमाल करता था। तो आप ऐसे लोगों के वर्ड्स पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? अगर आपको टिकटॉक इतना ही क्रिंज लगता है तो आप क्यों उस पर वीडियो बनाते थे? मगर आप तो बनाते थे, तो फिर आप अपने वर्ड से मुकर रहे हैं यहाँ पे। तो ये इनका यही रहता है, ये हमेशा यही करते हैं, इनको बस सिंपैथी लेना बहुत अच्छे से आती है और ये यही करते हैं और करते आ रहे हैं। अभी इतने सालों से जो करते आ रहे हैं तब से तो लोगों को समझ में आया नहीं है कि हमारा इमोशनली फूल बनाया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जल्दी ही लोगों को समझ में आएगा कि हाँ उनके साथ क्या हो रहा है, और फिर जो है सब लोगों को अकल आ जाएगी कि ये क्या कर रहे हैं। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी इनसे बातें भी हुई हैं एक आध बार, और फिर भी मैंने आपके सामने ये सच्चाई बताई क्योंकि यही सच्चाई है और मेरे हिसाब से सच्चाई रखना ही मेरा काम है। तो यही मैं बोलूँगी कि हाँ भाई ये ऐसा करते हैं, और जो ये क्लिकबेट करते हैं वो भी दुनिया भर का करते हैं। तो अगर आप किसी छोटे क्रिएटर को जाके ये बोल रहे हैं कि तू क्लिकबेट करता है, तो जाके पहले ऐसे बड़े यूट्यूबर्स को भी बोलिए कि आप भी क्लिकबेट करते हैं, सिर्फ छोटे यूट्यूबर्स को टारगेट मत कीजिए जैसे कि आप मुझे करते हैं। तो इन लोगों को भी बोलिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आई थिंक मैंने अपने पॉइंट्स बहुत अच्छे से रखे हैं कि ये कॉपी कैट है। वीडियो का एंड करते हैं, चलिए थैंक यू।